लाल सिंह चड्ढा बायकॉट मिशन ने पकड़ा जोर। मूवी के फ्लॉप होने की आशंका में आमिर खान हुए परेशान। आमिर की मूवी लाल सिंह चड्ढा देखने की बजाय क्या करें लोग, ये बताया वीएचपी नेता प्राची साध्वी ने। वीएचपी नेता प्राची साध्वी ने लगाए एक तीर से दो दो निशाने। तो चलिए हम आपको आज पूरी खबर बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट क्यों किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर वीएचपी नेता प्राची साध्वी ने कौन सा बड़ा बयान दिया है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपको बता दें कि आमिर खान 4 साल बाद अपनी नई मूवी लाल सिंह चड्ढा के साथ फिल्मों में वापसी कर रहे हैं। ये फिल्म 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली है। तो वहीं इस फिल्म के रिलीज होने से पहले सोशल मीडिया पर बायकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड होने लगा है। इसी कड़ी में वीएचपी नेता डॉक्टर प्राची साध्वी ने ट्वीट कर लिखा है कि लाल सिंह चड्ढा देखने की बजाय एक चड्ढी लेकर रणवीर भिखारी को डोनेट करें। बॉलीवुड इतने नीच स्तर पर आ गया है, इनकी फिल्में देखना बंद कीजिए। जी हाँ, तो ये आमिर खान की फिल्म को लेकर प्राची साध्वी ने बड़ा बयान दिया है। तो चलिए अब आपको बता दें कि आखिर बायकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड क्यों कर रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले मीडिया से बात करते हुए आमिर खान ने कहा था कि जब लोग बॉलीवुड और लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार करने की बात करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, खासकर तब जब लोग मेरी फिल्मों को इस वजह से बायकॉट करने की डिमांड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उन लोगों की लिस्ट में शामिल हूं जो भारत को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये सच नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है, कृपया मेरी फिल्म का बहिष्कार न करें, कृपया मेरी फिल्म देखने जरूर जाएं। बता दें कि आमिर खान ने 2015 में काफी सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने कहा था कि हमारा देश बहुत सहिष्णु है लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दुर्भावना फैला रहे हैं। इतना ही नहीं, आमिर खान की पत्नी ने भी ये बयान दिया था कि उन्हें भारत में सुरक्षित महसूस नहीं होता, इसलिए वो अपने बच्चों को साथ लेकर भारत छोड़ने पर विचार कर रही हैं। और यही वो बातें हैं जिसको लेकर के अब आमिर खान की फिल्म का बायकॉट किया जा रहा है। बता दें कि लाल सिंह चड्ढा मूवी हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप का रीमेक है। इस मूवी में करीना कपूर खान और मोना सिंह भी हैं। ये साउथ एक्टर नागा चैतन्य का बॉलीवुड डेब्यू है। पहले ये मूवी बैसाखी पर रिलीज के लिए निर्धारित थी लेकिन अब ये मूवी 11 अगस्त 2022 को रिलीज होगी। सो फ्रेंड्स, फिल्म को बायकॉट होते देख आमिर खान के इस बदले रुख पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या आमिर खान की इस फिल्म का बायकॉट होना सही है या फिर गलत है? अपना कीमती सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना।